हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 का चैप्टर 17। व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन कब होता है भाई? रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, ठीक है, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, ठीक है। तो अपने को पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होएगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड अगर चेंज होगी तो वेवलेंथ तो चेंज होगी ही होगी, ठीक है। तो ये तो चेंज हो जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं। फ्रीक्वेंसी के बारे में अपन इनसे इस 6 से पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो एक बार लाइट अगर सोर्स से निकल गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी तो इसका सही आंसर है, ये बात बिल्कुल सही है। वेलोसिटी तो चेंज होती ही है। बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, ये अच्छी बात है। देखो यार, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, इस बात को प्रूफ कर रहा हूँ मैं, सुनना। अगर अपन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो क्या होएगा? रियलिटी में ये होता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तब लाइट की जो थोड़ी एनर्जी होती है उसमें थोड़ा सा लॉस आता है, ठीक है ना। लॉस अगर एनर्जी का आएगा तो बेसिकली इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, और अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ये समझने की बात है, ठीक है ना। एक्चुअल में जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस है जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, और रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरीके से जा रही है मान लेते हैं। तो मैं क्या बोला, इस वाले पॉइंट में क्या होएगा, कुछ लॉस होगा। किसका? एनर्जी का। एनर्जी का लॉस हुआ मतलब इंटेंसिटी घट गई, ठीक है। और अपने को पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पता है ना यार ये बात, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसी भी वेव के लिए ये बात ट्रू होती है। तो जब इंटेंसिटी कम हो गई या कम ज़्यादा तो छोड़ो, इंटेंसिटी बदल गई तो एम्पलीट्यूड को बदलना ही बदलना है, ठीक है ना। तो ये भी बदल जाता है, तो डी भी इसका गलत आंसर है। तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी है जो कि कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन के समय, ठीक है। तो दैट्स इट।